ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ की जानिब से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 1,00,000 लोगों को मजलिस से जोड़ने का सिलसिला शुरू किया गया है। आज अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ ने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सन्नूर, मलखेड़, सेडम, निड़गुंडा, सुलेपेट और दीगर विलेजेस में मजलिस के कार्यकर्ताओं के साथ विजिट कर लोगों को मजलिस से जुड़ने की गुजारिश की है। तमाम विलेजेस में अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ ने आवाम से खिताब कर कहा, मजलिस वाहिद एक ऐसी जमात है जो मजलूमों के हकूक के लिए आवाज उठाती आ रही है। आवाम को चाहिए मजलिस से जोड़कर असदुद्दीन अवैसी के हाथ मजबूत करें। लोगों ने अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ की बातें सुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार कर ली है और तमाम मजलिस के जिम्मेदारों ने आगे मजीद लोगों को मजलिस से जोड़ने का भरोसा दिलाया है। अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ ने इस मौके पर गुलबर्गा हेडलाइन से बात कर तमाम विलेजेस के दौरे की तफसीलात बताई। हम पहली मर्तबा यहाँ पर सन्नूर पर MIM के तरफ से फर्स्ट मर्तबा कदम रखे हैं। अल्लाह ताला हमारे कदम को कबूल फरमाए। और दूसरी बात यह है कि आप तमाम लोगों की मोहब्बत देखे हैं, अब देख रहे हैं। इससे पहले भी दो बार जो है हम आना चाहे थे लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। फिर हमारे अब्दुल रहीम साहब, सदर साहब, MIM के ज़िला प्रेसिडेंट आपके आपके साथ हम फिर तशरीफ़ लाए हैं। आप फिर हमारे पार्टी में वापस आए। आप लाख लाख शुक्र है अल्लाह का कि हम उनके साथ फिर साथ हो गए हैं। लिहाजा हम यही चाहते हैं हिंदू भाई, मुसलमान भाई एक हो जाएं और एक होकर काम करें, यही हमारा मकसद है आने का। हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ, उनका काम ही ऐसा है, एक दिन भी बैठने का काम नहीं है, खाली पार्टी को बढ़ाना और गरीब लोगों के आवाम करने जाना, उनके मसाइल पूछना, वो काम है उनका। इसी वजह से हम भी जब भी मिर्ची सेठ आए, कहाँ भी काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा और हर तालुके में जाके मिर्ची सेठ के साथ और जो भी आवाम का काम है इंशाल्लाह हम करेंगे। वो मशक से हम आए हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे गुजारिश है, आप MIM का साथ दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। जो सोच के कदम उठाए हैं इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे और कामयाब करके बताएंगे। हाँ, यही गुजारिश है, जो जो है काम सोच के करें, कामयाब हो जाएंगे। इवत्तिन ई चिक्कद सभेयन्नु AIMIM ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ। ಈ ಮುಂದೆ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನದ ನಮ್ಮ ನಿಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ। ಮಹತ್ರಮ ಹಜರಾತ್, ಯಹಾಂ ಪರ್ ತಶ್ರೀಫ್ ಲಾಯೆ ಹುಯೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಮಿರ್ಚಿ ಸೇಠ್ ಸಾಹಬ್ और तालुक़े के अब्दुल कादर साहब और इस करिया निड़गुंदे के महबूब जना महबूब साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इनका बहुत बड़ा शुक्रिया है कि इन्होंने नेक काम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश करा उसने पाया। इन्होंने कोशिश कर रहे हैं, पहले आपसे हमें मदद नहीं चाह रहे, पहले हम मदद कर रहे हैं। क्या हमारा फरीज़ा रहता है कि आप भी हमारा साथ दें। ये एक ही चेक पार्टी है जो हक और बातिल को और बेदीन को दीन देने वाले, बेरास्ते से भटके वालों को रास्ता देने वाले और बेसहारों को सहारा देने वाली और हक और बातिल के लिए आवाज़ उठाने वाली हमारे को इतने पार्टियों में से एक ही एक पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिम नज़र आई है। हमारे सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी ने बचपन से सुनता था उनका नाम, एक वक्त उनकी पार्टी में भी खड़ने का मौका मिला हमारे को, तो इस पार्टी ने भी हक और बातिल हमको दिखाई दिया है और हमें कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे करिया में जो बेदीन है, जो बेइल्म है, उनको एजुकेशन और पढ़ाई के लिए और उन गरीबों की मदद के लिए हमें कदम, हमारे जनाब अब्दुल रहीम साहब मिर्ची सेठ इन्होंने कदम उठाए हैं और तालुके के लिए हमारे अब्दुल कादर साहब ने कदम उठाए हैं
और इस करिया गांव के लिए जनाब महबूब साहब और जनाब फारूक साहब इन्होंने उठाए हैं, और इनका कदम हमें हर कदम पर इनका साथ देना चाहिए। आज तमाम दो तालुकों का हमने दौरा किया, जिसमें सेड़म तालुका चिंचोली और हमारे पार्टी के तमाम वहाँ के कायदीन, वहाँ के सदर, वहाँ के सेक्रेटरीज, तमाम जगह हम आज मिलने का वादा किए थे। हम उन जगहों पे गए जहाँ जहाँ हमारा संगठन था। सबसे पहले हम नई टीम ऐजाद किए सन्नूर के अंदर, सन्नूर पे मुलाकात किए और हमारे पार्टी में ज्वाइन कराए, और उसके बाद हमने मलखेड़ पे हमारी जो पुरानी टीम थी उनसे मुलाकात करके उनको फिर आश्वासन दिया कि आप टीम को बढ़ाइए। फिर उसके बाद सेड़म में मिले हम, फिर उसके बाद नलगुंडे में मिले, उसके बाद सुलीपेट में मिले। हम जिस जिस जगह भी गए वहाँ पे लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, हमारा वेलकम कर रहे थे। हमका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ास कर उन देहातों को जो देहातों को नहीं पहुँचे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो देहातों को पहुँचेंगे। और उनसे गुजारिश है कि हमारे जो सदर हैं तालुकों के और गांवों के जो भी देहातों के, उनसे आप रابطہ कायम कर आप जुड़ सकते हैं उनसे। जो हमारा पिछले वक्त हमने एक लक्ष्य रखा था कि 1,00,000 लोगों से मिलने का, वो आज हम पूरा करते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए कि हम तकरीबन अब करीब करीब आ चुके हैं 1,00,000 लोगों से मिलने के। इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम गुलबर्गे में, उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा 1,00,000 का लक्ष्य, हम उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। उसमें नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे, और तमाम हमारे के यहाँ के इंचार्ज मोहम्मद सलीम साहब दूध बोली कॉरपोरेटर, और मुबीन साहब, और हमारे जो इंचार्ज रहे हैं आने वाले कौसर मोहियुद्दीन साहब जो MLA हैं कारवां के, वो भी रहेंगे, और कायदे मोहतरम जिसको भी कहते हैं वो इंशाल्लाह हम बुलाएंगे। बहुत बड़ा कन्वेंशन रहेगा हमारा, इंशाल्लाह इस महीने के आखिरी में ये बड़ा कन्वेंशन रखने का हमारा इरादा है। आप लोगों से, तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़िए, मजलिस को मजबूत कीजिए। आपकी जमात है, हमारी जमात है, आपके कायद और हमारे कायद हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले हैं। मज़हब के नाम पर नहीं लड़ रहे, हम कौम और मिल्लत के नाम पे लड़ रहे हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है कि मजलिस को साथ देकर मजलिस को कामयाब करिए।